आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। चूंकि मैं पिछले दो वीडियो में आपको पैराजम्बल करवा चुका हूं और आप में से कई लोगों ने बार बार कमेंट करके ये बोला है कि सर क्लोज टेस्ट का भी ऐसा ही वीडियो बना दीजिए और बाकी के जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो भी मैं आने वाले दिनों में आपको इस तरीके का वीडियो करवा दूंगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये है क्लोज टेस्ट के ऊपर, हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट विद 100% एक्यूरेसी फॉर SSC CGL CHSL एंड MTS एग्जामिनेशन। और बेसिकली ये जो वीडियो है ये टारगेट है आपके CGL Tier 2 को लेकर, क्योंकि आपका CGL Tier 2 11 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में लगा हुआ है और आप सभी लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग 19 की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी, आई हैव बीन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। उसके लिए फेसबुक पे सर्च कीजिए @त्रिवेदीअमन25 ऑन फेसबुक, उससे मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा आपको। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है अमन त्रिवेदी। आप उसके लिए इस टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @अमन त्रिवेदी, उससे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा और वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप aman.sscmentor को विजिट कर सकते हैं डेली असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। 30 क्वेश्चंस का असाइनमेंट मैं डेली प्रोवाइड करता हूं आपको इस वेबसाइट पर। तो अगर आप इसको विजिट करना चाहते हैं तो आप विजिट करिए और उसके बाद चेक करिए, वहां पर जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। बस हर वीडियो का हर जो भी कंटेंट वहां पड़ा है उसका PDF पड़ा हुआ है, तो उस PDF को डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए उस PDF को और प्रैक्टिस कीजिए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए और aman.sscmentor पर जाके। इसके अलावा इसको मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा तो आप वहां से भी असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लोज पैराजम्बल का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पैराजम्बल का वीडियो देख सकते हैं। देखिए मैं बात कर रहा हूँ बार बार आपको एक बारी बताता जाता हूँ कि आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्लोज टेस्ट का टॉपिक आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको ये वीडियो देखना चाहिए और क्यों आपको ये वीडियो क्यों आपको पढ़ना चाहिए क्लोज टेस्ट। तो अगर बात करें क्लोज टेस्ट के बारे में तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से देखते हैं तो ये टोटल कवर करता है पैराजम्बल, आपके क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपके 30 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट आपके 25 मार्क्स का, पैराजम्बल 20 से 25 मार्क्स का, यानी कि 200 में से करीब करीब आपके 25 मार्क्स का आपका 12.25% 12.5% तक का आपका सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है। 200 क्वेश्चन आने हैं, 200 में से आपके 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इससे आने हैं आपके। तो अगर आप इस वीडियो में आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक सेक्शन जो है आप छोड़ के चले जाएंगे। पैराजम्बल के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताए, आपको तरीके बताए, आगे भी पैराजम्बल के वीडियो आपको मिलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई कि मैं आज आपको दो वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। एक आपका क्लोज टेस्ट का हो जाएगा, दूसरा आपका आज पैराजम्बल का वीडियो मैं कोशिश करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आज का पूरा पैराजम्बल का वीडियो भी दे सकूं और क्लोज टेस्ट का भी वीडियो देख सकूं। आप ये दोनों वीडियोस आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आज की वीडियो में हम क्लोज टेस्ट की बात करने वाले हैं और आगे के आने वाले वीडियोस में RC की भी बात करूंगा मैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ये चार टॉपिक्स तो मैं आपको अभी फिलहाल कवर कराने वाला हूं। बाकी के इन दो टॉपिक्स के लिए भी मैं आगे आने वाले दिनों में वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपके एग्जाम से पहले मैं आपके ये टॉपिक्स जरूर से कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे अगर आप अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीजीएल 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेरा एक्सटेंसिव बैच कोर्स है फॉर SSC CGL प्री एंड मेंस, जो कि 16 अगस्त को शुरू हुआ है और 31 दिसंबर तक ये बैच चलेगा। इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं अदर एजुकेटर्स के द्वारा, और रीजनिंग और इंग्लिश वोकैबुलरी मैं कवर कर रहा हूं। इसके अलावा एक नया कोर्स भी लॉन्च हो रहा है जो कि 7 सितंबर से बैच आपका शुरू हो जाएगा, और उस बैच के लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बैचेस देखने हैं, सारे बैचेस देखने हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। बेस्ट तरीका क्या है, अभी अनअकैडमी ने अपना ट्रायल मोड मॉडल भी शुरू कर दिया है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, प्लस पर जाइए और अपना 7 डेज का ट्रायल अनलॉक कीजिए। वहां पर ऑप्शन आएगा अनलॉक योर 7 डेज ट्रायल। जैसे ही आप अनलॉक योर 7 डेज ट्रायल अनलॉक करेंगे आप सारे के सारे प्लस वीडियोस देख पाएंगे। एक बार आप प्लस वीडियोस देखेंगे तो आप उसके बाद जज कर पाएंगे कि क्वालिटी सही है या नहीं, टीचर सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके लिए यूजफुल है या नहीं। अगर आपको 7 दिन में वो यूजफुल लगता है तो उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा। आपके पास 12 मंथ का ऑप्शन होगा ₹5,000 का। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे अमन त्रिवेदी, अप्लाई करेंगे। इसके बाद में आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, आप इन्हें भी अप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ 10% और 10% यहाँ से भी डिस्काउंट मिलेगा। टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है, और ये जो कॉस्ट 5,000 दिख रही है 5,000 से घट के 4,050 रुपये तक आ जाती है अगर आपके पास इनफ क्रेडिट्स हैं तो।
और उसके बाद जितने भी टीचर्स अनएकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, कितने कोई भी टीचर हो, चाहे वो पवन राव सर हो, अभिनय सर हो, मैं हूँ या कोई भी अदर टीचर हो, आप सभी के वीडियोस देख पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना फ्री ट्रायल यूज़ नहीं किया है तो अनएकेडमी प्लस पर जाइए और अपना 7 डेज का ट्रायल अनलॉक कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो जाकर अनलॉक कर लीजिएगा, वहाँ से आप बाकी के वीडियोज़ देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पैरा जंबल में किया था, हम वही काम करेंगे यहाँ पर भी। जो क्लोज टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये आपके सीजीएल 2018 के टीयर 1 में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। सीजीएल 2018 के टीयर 1 में पूछे गए सवाल हैं जो कि मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ इस वीडियो में। आपको हो सकता है ये क्वेश्चंस आसान लगें, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एक बारी हमने ये सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए सीजीएल 2018 के, उसके बाद हम अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन पहले हम इन्हें खत्म करेंगे। क्योंकि देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप कितने भी हार्ड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट के कर लो, लेकिन एग्जाम में वही आएगा जो एसएससी पूछती है। और एसएससी क्या पूछती है वो आपके सामने है। एसएससी आपके सीजीएल 2018 के टीयर 1 में जो क्वेश्चन पूछे हैं, इसी के आसपास आपसे टीयर 2 में भी पूछने वाले हैं। तो अगर उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो बेहतर ये नहीं होगा कि क्या हम उन्हीं की प्रैक्टिस करें या फिर हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें जो एग्जाम में आना नहीं है, ठीक है। तो मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो टीयर 1 में आ चुके हैं और पूरी पूरी संभावना है कि टीयर 2 में भी वो आ सकते हैं, ठीक। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्लोज टेस्ट के साथ में। तो बेहतर ये होगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए। जब एक बार इसे पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार पूरा वीडियो पढ़ लीजिए, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपल सा। पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, जैसे ही आपको क्लोज टेस्ट दिखा, फर्स्ट स्टेप शुड बी रीडिंग। पहला स्टेप होना चाहिए कि आप उसको पूरी तरीके से पढ़ लोगे जो भी क्लोज टेस्ट में कहा है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि देखो, अगर आप एक बारी पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि पैसेज की जो टोन है वो कैसी है। पैसेज पॉजिटिव बात कर रहा है या निगेटिव बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपने नरेंद्र मोदी के बारे में कोई आर्टिकल है, ठीक। अब वो आर्टिकल अगर राइट विंग के कार्यकर्ता ने लिखा है, तब तो वो पॉजिटिव होगा उनके बारे में। अगर किसी लेफ्ट विंग के बंदे ने लिखा है, तो वो आर्टिकल कैसा होगा? निगेटिव होगा। समझ में आ रही है? अब अगर हमें ये नहीं पता है कि पैसेज में पॉजिटिव बात कर रहे हैं या निगेटिव बात कर रहे हैं, और जब हम ऑप्शन करना शुरू कर देते हैं, पहला ऑप्शन देखा, दूसरा ऑप्शन करा, तो ऐसे में हमारे सामने दिक्कत ये आती है, हमें पता नहीं होता कि हमें पॉजिटिव वर्ड भरना है या निगेटिव वर्ड भरना है। तो अगर हमें ये नहीं पता होगा कि पॉजिटिव वर्ड आपके लिए भरना है या निगेटिव वर्ड भरना है, तो दिक्कत होगी। इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप एक बारी पूरा पैसेज को पढ़ लें, ठीक। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है, क्लोज टेस्ट के पैसेज को। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहला देखा, ऑप्शन देखा, टिक किया, दूसरा देखा, ऑप्शन देखा, टिक किया। देखो, मैं ऐसा नहीं कहता इससे सवाल गलत होते होंगे, आपके हो सकता है सही होते हों, लेकिन बेटा एक बारी एक सोच के देखो, एक ऐसा पैसेज है जिसमें तुम 10 के 10 सही कर सकते थे, लेकिन तुम्हारी इस सिर्फ जल्दबाजी की वजह से 10 में से सिर्फ 8 क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए, तो तुम 2 क्वेश्चन का बलिदान देकर आ गए। किसने कहा था ये बलिदान देने के लिए? इस बलिदान के बारे में तो गुरुजी ने भी बात नहीं करी थी। तो आप अपने ये 2 नंबर का बलिदान देकर क्यों आए? आपको इसका बलिदान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ आदतों का बलिदान देना है। जैसे कि आप क्वेश्चंस पैरा जंबल को देखते ही सॉल्व करने लगते हैं, तो देखते ही सॉल्व नहीं करना, हमें इस आदत का बलिदान देना होगा। हमें इस पहले पैसेज को पूरा का पूरा एक बारी रीड कर लेना होगा। एक बारी आप पैसेज को रीड कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है। अगर इस पैसेज को ध्यान से देखो, बहुत ही आसान सा है। सियोल्स गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेस ऑन ऑफर फॉर डैश हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स। इट्स रनिंग डैश 2 वीक्स कैंपेन फॉर कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरनर्स टू कीप दियर आईज पील्ड फॉर इन इंग्लिश, जैपनीज, चाइनीज टेक्स्ट, कोरियन टेक्स्ट टाइम रिपोर्ट्स। दिस डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन मैप्स एंड इंपॉर्टेंट साइंस एट हिस्टोरिक साइट्स एज अ पार्ट ऑफ ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरन टूरिस्ट इन सदर्न साउथ कोरियन कैपिटल। तो ये बात समझ में आ गई, साउथ कोरिया की कैपिटल में वो स्ट्रीट साइंस को साइंस इंप्रूव करेक्ट करने की कुछ बात हो रही है। अब मेरे दिमाग में ये बात है कि क्या बात चल रही है, मुझे इसके बारे में पता है, तो अब मेरे लिए ऑप्शंस को चूज करना थोड़ा आसान होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सियोल्स गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल फॉर देखो ये किसमें है, प्रेजेंट में है, टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेज ऑन ऑफर डैश हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स। अब ध्यान देखो,
ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में। अगर ये प्रेजेंट में है तो इसका मतलब यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं दिख रही, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ में या तो एस आता है या ईएस आता है विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हमारे साथ में यहाँ एस या यस नहीं आया है, इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो कैसा प्रोनाउन, हु लिखा है तो हु का एंटीसीडेंट क्या होगा? कोई ना कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन की बात करें तो कैसा प्रोनाउन होगा? चूंकि हमारा यहाँ स्पॉट लिखा है तो वो प्रोनाउन कैसा होगा? प्लूरल होगा। बात समझ में आ गई? ठीक। अब इसका मतलब हमारा आंसर दिस नहीं हो सकता, दैट नहीं हो सकता। ऑप्शन बचे दीज और दोज। ध्यान दे, देखो, सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल, यानी कि यहां पर किससे कह रहे हैं? वो पीपल से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, ठीक, फॉर हेल्प टू करेक्ट पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस विद प्राइजेज ऑन ऑफर फॉर डैश। तो अब हम यहां दीज इस्तेमाल करेंगे या दोज इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली बात है, यहां पर आंसर आएगा दोज हु स्पॉट द मोस्ट एरर्स। दीज एरर्स, दीज नहीं, दोज, यानी कि जो कि ऐसा करेंगे। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? दोज। सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो, हो सकता है पैसेज आसान हो, ऑप्शन भी इजी हो, लेकिन इस वीडियो के जरिए जो मैं आपको तरीके और ट्रिक्स देने वाला हूँ वो आपके लिए काम आएंगी, कोई भी किसी कितना भी कठिन पैसेज क्यों ना आ जाए, ठीक। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो का फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, इट्स रनिंग डैश टू वीक कैंपेन। अब ध्यान देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? टू वीक कैंपेन, ठीक, कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप देयर आईज पील्ड फॉर। अब देखो, हालांकि टू क्या होता है? टू तो प्लूरल होता है, लेकिन यहां पर जो ये टू आया है ये किसके लिए आया है? इट इज यूज्ड एज अ न्यूमरल एडजेक्टिव। यहां पर ये नाउन नहीं है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, और ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। टू वीक को इन्होंने एक यूनिट माना है और उसके बाद इन्होंने कैंपेन क्यों लिखा है, जो कि नाउन है। ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। अगर कैंपेन सिंगुलर नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो आपका ए या फिर एन आ सकता है। बात समझ में आई? अगर हम बात करें एन की तो टू के पहले एन नहीं आ सकता, क्योंकि भाई टू कॉन्सोनेंट है, तो हम टू को पहले एलिमिनेट कर देते हैं। बचे हमारे पास ऑप्शन वन, ए और देन। तो वन टू वीक नहीं हो सकता है, ए टू वीक तब भी हो सकता है, तो हम वन को भी हटा देते हैं। बचे हमारे पास ऑप्शन सी और डी, कहता है अ टू वीक कैंपेन और द टू वीक कैंपेन। तो देखो ध्यान से, हु स्पॉट द मोस्ट, इट्स रनिंग डैश टू वीक कैंपेन। अब इस टू वीक कैंपेन के बारे में हमने क्या पहले एक सेंटेंस में बताया है? जी नहीं, पहले हमने इस टू वीक कैंपेन के बारे में नहीं बताया है, ओवरऑल गवर्नमेंट के कैंपेन के बारे में डिस्कशन किया है। तो हमने टू वीक कैंपेन के बारे में तो कहीं नहीं बताया। अगर हमने टू वीक कैंपेन के बारे में कहीं नहीं बताया है, इसका मतलब हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा तो नहीं आ सकता। ऑप्शन हमारा क्या बचा? ऑप्शन हमारा एक ही बचा, दैट इज ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? देखिए, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सियोल सिटी गवर्नमेंट इज आस्किंग पीपल, हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया था। क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है, कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स डैश टू कीप दियर आईज पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश जैपनीज एंड चाइनीज टेक्स्ट द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट्स। कोरियन टाइम्स ने ऐसा रिपोर्ट किया है कि एक ये जो आपकी गवर्नमेंट है सियोल की, वो एक दो वीक का कैंपेन चला रही है जिसमें कोरियन और फॉरेनर्स को बोला जा रहा है कि वो अपनी आईज को पील्ड रखें। अब ध्यान देखो, यहां पर कह रहा है कोरियंस एंड फॉरेनर्स, उसके बाद ऑप्शन देखो, लाइकली, सिमिलरली, अलाइक और सेम। ध्यान से देखिए, लाइकली का मतलब क्या होता है? जो कि होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें रिसेशन इज लाइकली टू कम, अगर हम आज की तारीख की बात करें तो हम कह सकते हैं रिसेशन इज लाइकली टू कम इन कंट्री। रिसेशन इज लाइकली टू कम इन कंट्री मतलब रिसेशन आने वाला है, ठीक, देश में रिसेशन आने वाला है, मंदी आने वाली है। तो लाइकली टू मतलब जो कि ऐसा होने वाला है, जो कि एन इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन इन फ्यूचर, एन इवेंट विच इज अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर, अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर। तो
कोरियन एंड फॉरेनर्स, यानी कि यहां पर तो मतलब नहीं होगा इसका, लाइकली का तो कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ लाइक दिस एंड लाइक इफ आई से दिस एंड दिस आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर हैं तो मतलब ये क्या हो गया एडजेक्टिव, और सिमिलरली मतलब क्या हो गया एडवर्ब। तो सिमिलरली कह रहे हैं अगर हम, तो भाई कोरियन और फॉरेनर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और सिमिलरली की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ में सिमिलरली के साथ, सिमिलरली का मतलब मैंने क्या बताया आपका, तो सिमिलरली अगर हम यूज करेंगे तो वो यहां पर गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली आपका, तो सिमिलरली भी आंसर आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ एडवर्ब है और एडवर्ब का हमें जरूरत नहीं, हमें चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि कोरियन और फॉरेनर्स क्या है नाउन, नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा एडजेक्टिव, तो सिमिलरली भी हटा सकते हैं। अब आगे बढ़ो, कहता है सेम और अलाइक, सेम कोरियंस एंड फॉरेनर्स सेम, अरे भाई सेम भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोरियन, अगर हमें कहना है कि कोरियंस एंड फॉरेनर्स आर सेम तो हमें आर लगाना पड़ेगा, तो हम ये भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन हमारा क्या बचा, अलाइक इज द राइट आंसर, की अलाइक, यानी कि वो कह रहा है कि कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक, दोनों को ही ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, उन दोनों से ही कहा है कि वो इस चीज को करें। तो इट्स रनिंग अ 2 week कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक टू कीप दियर आईज पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश, यानी कि अपनी आईज को चौकन्ना रखने के लिए। तो अलाइक इज द राइट आंसर हो गया, यहां पर समझ में आया कैसे हमने इसको अटेम्प्ट किया। देखिए मुझे पता है पैसेज बहुत आसान है, लेकिन मेरा मकसद आपको पैसेज का सॉल्यूशन बताना नहीं, मेरा मकसद आपको अप्रोच बताना है कि कैसे आप क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा और मेरे जिस तरीके से मैं ध्यान से क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, आई कैन गारंटी। आप जैसे अगर आप पैराजम्बल और क्लोज टेस्ट की दोनों की ट्रिक्स थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे तो आपके नंबर 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, और बेटा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 10 नंबर बहुत होता है आपका अगर बढ़ता है तो। अगर मेरे एक वीडियो से आपका 5 से 10 नंबर बढ़ रहा है, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा बेनिफिट कुछ और हो सकता है इस चीज का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसे लगे, अपना रिव्यू अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहिए, क्योंकि आपका फीडबैक आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए और बहुत मायने रखते हैं। तो आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर कहिएगा। आगे देखो, कीप दियर आईज पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश। अब देखो बेसिकली उसने क्या कहा है, वहां पर पुअरली ट्रांसलेटेड स्ट्रीट साइंस हैं जिनमें गलतियां हैं, क्या हैं एरर्स हैं। तो भाई अगर वो प्राइज दे रहा है और वो कह रहा है कि अपनी आईज को चौकन्ना रखें पील्ड रखें, किसके लिए भाई, क्या पहचान हो गई इंग्लिश जापानीज और चाइनीज टेक्स्ट में, ऑब्वियस सी बात है गलतियां पहचानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आता है ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब हो जाता है ओवरलुक कर देना, किसी चीज को ध्यान नहीं देना। तो आपने अगर आप बात करो, देखिए एक तरीका ये भी होता है आपका कि जैसे आपने इस लाइन को पढ़ा, अब आपने ऑप्शन नहीं देखे, लेकिन मैंने आपको ये चीज इन्फर करा दी, ये चीज आपको पता दिया कि हमें एक ऐसा ऑप्शन भरना है जिसका मतलब हो गलती, क्योंकि आप पहचानोगे क्या गलतियां। ठीक है, गलतियां पहचानेंगे ना, और उन्हीं से के लिए आपने आईज पील्ड करने के लिए कहा गया है। अगर आप गलतियां पहचानेंगे तो यानी कि जो वर्ड आएगा वो कैसा आएगा, वो ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग क्या हो, गलतियां हो इंग्लिश में। बात समझ में आ रही है। अब गलतियों का मतलब क्या हो गया, ओवरसाइट का मतलब होता है ओवरलुक करना, यानी कि इग्नोर करना, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। गफो का मतलब क्या होता है, मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा गफो का मतलब क्या होता है। वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या मतलब है गफो का। ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा, फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गफो का मतलब होता है आपका अ नॉइजी लाफ, यानी कि कस के हंसना, हा हा करके हंसना। ठीक है, तो अ नॉइजी लाफ होता है, तो क्या ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता, मैंने पहले ही कहा कि आंसर होगा जिसका मीनिंग हो गलतियां, गलत हो गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3, दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे सर ये दोनों का ही मतलब सेम है, लेकिन बेटा दोनों का मतलब सेम नहीं है। क्यों, क्योंकि ब्लंडर का मतलब होता है आपका वो गलती जो कि बहुत ही क्लियरली विजिबल हो। ब्लंडर मतलब एक ऐसी गलती जो सबको दिख रही है अगर मैं, मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं आई आर राइटिंग दिस बुक, आई आर राइटिंग दिस बुक,
तो क्या इस क्वेश्चन में आपको गलती दिख रही है? भाई सबको दिख रही है, आई के साथ आर नहीं होता, एम होता है, ये क्या हो गया? ये ब्लंडर हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूं कि माय मदर मेड मी टू डू हाउसहोल्ड कोर्स, अब देखो यहां पर क्या गलती दिख रही है? तो कुछ लोगों को गलती दिखेगी, कुछ को नहीं दिखेगी। जिनको पता है क्या गलती है उन्हें गलती दिखेगी, जिन्हें नहीं पता है वो गलती नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि ये जो टू है ये गलत है। यहां पर क्यों गलत है? क्योंकि भाई टू का इस्तेमाल यहां नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है आपका बेयर इन मेड, क्या होता है आपका बेयर इन्फिनिटिव होता है, तो बेयर इन्फिनिटिव के साथ में टू नहीं आता, इसलिए ये टू गलत हो गया। तो ये क्या थी? ये मिस्टेक थी, इस ये एरर थी जो कि आपको पहचाननी थी। तो ये चीज गलती कुछ को दिखती है, कुछ को नहीं दिखती, कुछ लोग इसको ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिस्टेक एंड अ ब्लंडर। तो आंसर ब्लंडर नहीं होगा, आंसर होगा मिस्टेक, क्योंकि ब्लंडर अगर स्ट्रीट साइन में है वो तो सभी को दिख रही है, जो ब्लंडर है वो तो सभी को पता है, तो उसके लिए प्राइज क्यों मिलेगा? प्राइज उसके लिए मिलेगा जो ऐसी गलती जो किसी सबको विजिबल नहीं है लेकिन आपने उसको विजिबल करा दिया, तो ऐसी गलती को आपको मिस्टेक बोला जाएगा, ऐसी गलती का आपको प्राइज मिल सकता है। समझ में आया ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट्स एज पार्ट ऑफ अ ड्राइव टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द सदर्न कोरियन कैपिटल। अब ध्यान दीजिए यहां पर इस्तेमाल किया है देयर, तो देयर का मैं एक छोटा सा इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल भी आपको साथ के हाथ बता देता हूं। ध्यान देखो देयर का इस्तेमाल कब करते हैं? देयर का अगर यूज हुआ है देयर और इट, ध्यान दो देयर और इट दोनों ही आपके डमी आपके प्रोनाउन होते हैं, डमी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ये अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली। देयर के बाद आप जो भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे वो डिपेंड करेगा इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट पे, जैसा यहां पर सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो देयर के बाद अगर जैसे यहां पर ए आया है इसलिए यहां इज हो जाएगा, अगर यहां पर प्लूरल आएगा तो देयर से के बाद में प्लूरल आ जाएगा, तो देयर के साथ ये वाली रूल आपको पता होगा। और इट के साथ एक इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि इट के साथ कैसा भी कुछ भी आए आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हो वो सिंगुलर ही लगाते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप हु लगा रहे हो तो अगर आप जैसे अगर मैं कहता हूं इट इज आई, तो इट इज आई ही लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, डजेंट मैटर उसके बाद आपने क्या सब्जेक्ट लिखा है। अगर उसके बाद हु लगाते हैं तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो आता है आई से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग मुझे उसमें एरर जल्दी से बताइएगा, फिर आप कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा और अगले वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है आपका कि यू आर Only one of the students, you are only one of the students who, you are only one of the students who is hard working. जल्दी से मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइएगा, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस क्वेश्चन में एरर बताएंगे, व्हाट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका यू आर ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यू आर ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज हार्ड वर्किंग। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि क्या इस क्वेश्चन में आपको एरर लग रही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा, अगले क्लोज टेस्ट के वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारा क्वेश्चन था देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट साइंस मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट हिस्टोरिक साइट्स एज पार्ट ऑफ अ ड्राइव टू इंप्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन द सदर्न साउथ कोरियन कैपिटल। तो देयर इज अ डैश फोकस, अब कैसा फोकस? इंपॉर्टेंट फोकस, पर्टिकुलर फोकस, सिग्निफाइंग फोकस या मेटिकुलस फोकस। सबसे लास्ट से शुरू करते हैं, वर्ड है आपका मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? देखो बेटा मेटिकुलस होता है आपका एडजेक्टिव, ठीक है। हालांकि यहां पर ये फोकस जो है नाउन है तो यहां पर आएगा तो एडजेक्टिव ही, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है दक्ष,
ठीक है, जैसे ही इज अ मेटिकुलस बॉय, मतलब बहुत ही दक्ष है, बहुत ही आपका जो अपनी बहुत ही फास्टिडियस किस्म का व्यक्ति है, थॉरो है, जो बहुत ही हर बात पे बहुत ज्यादा डिटेल पे फोकस करता है, उसे कहते हैं मेटिकुलस। ठीक है, अगला वर्ड आता है आपका सिग्निफाइंग। ठीक, सिग्निफाइंग का मतलब क्या होता है, सिग्निफाई क्या है, सिग्निफाई बेटा होता है आपका वर्ब। ठीक है, अब यहां पर इसके आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, अगर हम बात करें सिग्निफाइंग की तो ऐसा नहीं है कि ये यहां पर आपका वर्ब है तो इसकी ये वर्ब की फॉर्म लगी है, ऐसा नहीं है, ये यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा पेन पतला कर लेता हूं, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, और ये काम किसकी तरह करता है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो ये हालांकि सिग्निफाई जो होता है वो वर्ब होता है, लेकिन जब उसमें हम आईएनजी लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ये आपका क्या है, ये एडजेक्टिव ही है, इसको हम वर्ब नहीं कह सकते। ठीक है, इट इज एन एडजेक्टिव हियर बेसिकली, तो ये तो एडजेक्टिव ही है। पर्टिकुलर हो सकता है इंपॉर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण होना। ठीक है, अब देखो बात समझिए ध्यान से, देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैप्स एंड इंफॉर्मेशन साइट्स एंड हिस्टोरिक साइट्स। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी समस्या होती है, जहां पर चार के चारों ऑप्शंस का मीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, जब मीनिंग जैसे ही सेम होता है आपको समझ नहीं आता कि आपने क्या करना है और आंसर कैसे देना है। ठीक, तो जब मीनिंग सेम हो तो देखो क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझिए। अब आप समझो कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सही बैठता है, अगर आप लगाओ देयर इज अ मेटिकुलस फोकस, मेटिकुलस कौन होगा, आप होगे दक्ष, तो फोकस मेटिकुलस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी हटा दो। ठीक, मैंने कहा देयर इज अ सिग्निफाइंग फोकस, सिग्निफाई मतलब होता क्या है, सिग्निफाई करने का मतलब हो जाता है कि कुछ भी चीज को आपने बहुत ही ज्यादा नोटिस किया है। ठीक है, जैसे दिस मार्क सिग्निफाइज द प्रोडक्ट कन्फर्म टू एन अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस मार्क सिग्निफाइज दैट द प्रोडक्ट अप्रूव्स द स्टैंडर्ड या प्रोडक्ट फॉलोज द स्टैंडर्ड, तो सिग्निफाइज मतलब इस चीज को वो सिग्निफाई कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो यहां पर देर इज अ सिग्निफाइंग फोकस नहीं हो सकता है। देर इज अगर इंपॉर्टेंट आएगा तो यहां ए नहीं आएगा, क्या आएगा, एन आएगा, तो इंपॉर्टेंट भी नहीं हो सकता है, देर इज एन इंपॉर्टेंट फोकस नहीं हो सकता, तो हम इसे भी हटा सकते हैं। बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी, पर्टिकुलर फोकस का मतलब होता है किसी एक चीज पर ध्यान देना, तो देर इज अ पर्टिकुलर फोकस ऑन ट्रांसपोर्ट साइंस मैप्स और इंफॉर्मेशन साइंस, तो जो इस पे पर्टिकुलर फोकस है वो किस पे है, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस पर है, तो आंसर आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस वजह से आंसर इस क्वेश्चन का होगा बी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको समस्या होती है, लेकिन ये समस्या कब सॉल्व होगी, जब आप वोकैबुलरी को समझेंगे, सिर्फ रटेंगे नहीं, वोकैबुलरी को ये भी समझेंगे कि कैसे कौन सा वर्ड कहां पर इस्तेमाल होता है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपको कौन सा वर्ड आपको कहां पर चूज करना है। ठीक, तो उसके लिए वोकैबुलरी की थोड़ी समझ होनी चाहिए। मैं आपको चलते चलते एक ट्रिक और बता देता हूं। देखिए कई बार क्या होता है, एक सेंटेंस ऐसे लिखा, फिर इन लिखा, फिर हमने ब्लैंक दे दिया, तो एक सेंटेंस में लगातार दो ब्लैंक होते हैं, तब क्या करना चाहिए, देखो क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो आप क्या करो, पहले ऑप्शन को भरा, ठीक, अभी आपको कंफर्म नहीं है, फिर दूसरा भर लो, ठीक है, दूसरा भर लिया, अब छोड़ दो इसको, बाकी का पैसेज कंप्लीट कर लो, एक बारी बाकी का पैसेज कंप्लीट कर लिया, अब तुम वापस आ जाओ इन दो ऑप्शंस पे। ठीक, तुमने क्या किया, पहला भरा और फिर दूसरे का भरा, देखा दोनों सही बैठ रहे हैं, और बाकी का पैसेज तुमने अब कर रखा है, तो तुम्हें बाकी के मीनिंग्स पता है, क्या ये सही बैठ रहे हैं, तो डन करिए, नहीं तो ऑप्शन चेंज करते जाइए और देखते जाइए कि कौन सा सही बैठेगा वहां पे। इस तरीके से करोगे तो दो और तीन अटेम्प्ट में आपका आंसर सही आ जाता है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है आपके इस तरीके के क्वेश्चन को करने में, मुझे पता है इसमें भी कई लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है,
तो फिलहाल हमने इस वीडियो में एक क्वेश्चन को किया और इस पैराग्राफ को किया, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा मकसद आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताना बिल्कुल नहीं है, मेरा मकसद आपको अप्रोच बताना है कि कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज द एरर टू दिस क्वेश्चन। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपका आंसर सही था या गड़बड़ गलत था। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, अमन त्रिवेदी। और अगर आप असाइनमेंट नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो देखो, मैं आपसे सलाह दूंगा, आपके कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, तो असाइनमेंट को जरूर सॉल्व कीजिए। उसके लिए आप amantrivedi.com पर जाइए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते, 100% फ्री असाइनमेंट है। बस आपको वेबसाइट पर जाना है, असाइनमेंट डाउनलोड करना है, सॉल्व करना है और आंसर चेक करने हैं, क्योंकि वहां पर मैं आपको डेली का एक क्लोज टेस्ट दे रहा हूं, एक आरसी दे रहा हूं, 10 पैराजंबल दे रहा हूं, 10 एरर डिटेक्शन दे रहा हूं। तो ये काफी होता है आपकी टीयर 2 की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। तो ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिए और आगे के वीडियो में बात करेंगे। आज का अगला वीडियो मैं आपको कोशिश करके आज ही दे पाऊंगा और दे दूंगा, और उस वीडियो में हम बात करेंगे आज आपके पैराजंबल के नेक्स्ट सेट की। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब देना मत भूलना, और अगर वीडियो से समझ में आया हो कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपको इस क्वेश्चन इस वीडियो से कितनी मदद मिली या नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।